मध्य प्रदेश के सियासी संकट से मुख्यमंत्री कमलनाथ उबर पाएंगे इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं। ऐसे में युवा पत्रकार अश्विनी मिश्रा का कहना है मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेसियों को नहीं साध पाए, जिसका ये परिणाम है। मिश्रा ने कहा कि 26 तारीख के बाद कांग्रेस के भीतर घमासान मचने वाला है। 2020 मैच की तरह मध्य प्रदेश की सियासत भी पल पल रंग बदल रही है और कमलनाथ सरकार पर आया संकट फिलहाल बरकरार है। इस समय मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी मिश्रा हैं। अश्विनी जी, बहुत रोमांचक दौर से मध्य प्रदेश की राजनीति गुजर रही है। जी देखिए, हम लोगों के इतिहास में एक ऐसा जर्नलिज्म के कह सकते हैं कि इतिहास में एक ऐसा पन्ना दर्ज होने वाला है कि जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को कहानी सुनाएंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ था, जैसा आज के दौर में जब ये घटना मध्य प्रदेश में हो रही है कि तो लोग कहते हैं कि सम्मिश्र सरकार में द्वारका प्रसाद मिश्रा की जो सरकार थी उसको जो राजमाता सिंधिया थी उन्होंने किस तरीके से गिरा दिया था, 36 विधायक लेकर अलग हो गई थी, तो कमोबेश अब उस तरह के समय में वो बड़ा युग नहीं था। वो जो याद दिलाई है अश्विनी ने, बड़ा रोचक दौर था कि राजमाता निकली थी राजभवन की तरफ और जाके सरकार बदल दी और गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल, अब ऐसा जो दौर मतलब उस समय के इतिहास और कालखंड में जो लिखा गया था, तब शायद डिजिटल युग उस तरह का नहीं था और फोटो और पिक्चर्स उस तरह की नहीं रही, लेकिन आज के दौर के ये वीडियो जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे, तो आप सोचिएगा कि वो समय हमेशा के लिए दर्ज हो रहा है। अश्विनी, कई जगह आपने काम किया, अलग अलग राज्यों में आपने देखा सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं। अमूमन जब विधायकों को भी कहीं छुपा के कैद करके बंधक बना के जो भी कुछ कहें उनको रखा जाता है तो दो जगह रखा जाता है, दो पाले होते हैं। मध्य प्रदेश में 3 जगह विधायक रखने पड़े। देखिए, मध्य प्रदेश क्या है कि अभी जो उनकी पूरी भूमिका विधायकों की जो तय हुई वो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पूरा उन लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य और समन्वय चला है, तो एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था, ये कई व्यक्तियों का एक सामूहिक निर्णय था जिसकी वजह से। अच्छा, इस सब में कहीं कमलनाथ के प्रति नाराजगी विधायकों में है क्या? देखिए, कमलनाथ के प्रति नाराज़गी तो जाहिर सी बात है कि पहले दिन से थी, लोगों ने इस बात को स्वीकार करने की कोशिश की। मैं आपको बताता हूं कि मैं उस चीज़ का गवाह हूं कि जब कमलनाथ जी का और ज्योतिराय सिंधिया का एक विज्ञापन बनाया गया था और आपने देखा होगा कि उन्होंने विधानसभा में किस तरीके से अपनी तैयारी की और दोनों पोस्टर बॉय थे, लेकिन बाद में आकर के यहाँ ये हुआ कि यहाँ जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ के फ़ोटो को उन्होंने पब्लिक के सामने पेश किया और लगा कि लोकसभा चुनाव सिर्फ कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। उसी दिन से सरकार के लिए चुनौती पेश होना शुरू हो गई। सरकार संकट में अब सरकार तो जैसी चीज़ मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ बचाव के जो उसके विकल्प हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो या डी हो, वो चारों के चारों विकल्प उसके बंद हैं, क्योंकि सरकार में नंबर आपको चाहिए। 114 की आप संख्या पे थे, 114 की संख्या में से आपको मान करके चलिए अगर 22 विधायक आपके चले जाते हैं तो आप 92 पे आते हैं, और 92 पे अगर आप बहुत अगर कोशिश करते हैं सपा बसपा और निर्दलियों को अपने साथ मिलाने की तो आपका 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं होगा, 99 पे आकर के आपकी बॉल अटक जाएगी। और अभी जिस तरीके से कल विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं और मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में कुछ और इस्तीफे स्वीकार हो गए या वो कल सदन के पटल पर नहीं आए तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जिसमें इनके लिए वो मुश्किल की घड़ी आ जाएगी कि जहां सरकार स्वतः ही अपने आप को ये मान लेगी कि हमारे पास वो नंबर्स नहीं है। ये थे अश्विनी मिश्रा जो अपने तजुर्बे से बता रहे थे कि फिलहाल तो कमलनाथ सरकार पूरी तरह से संकट में, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के लिए और बड़ा संकट शुरू होने वाला है जिसका रोचक परिणाम आता रहेगा 26 तारीख तक जब राज्यसभा के परिणाम सामने आएंगे। अनुराग उपाध्याय, दखल न्यूज, भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।